मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी उल्टा पुल्टा होगा मोदी जी हैं तो संभाल लेंगे, संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। अच्छा है, प्रोग्रेस है, विकसित भारत है, इस तरह से मेडिकल साइंस में प्रगति होना भारत के लिए अच्छा है। बस मैं चाहता हूँ और इसी तरह का इम्प्लीमेंट होता रहे आगे भी। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा इसका, तब तक कुछ भी कहना असंभव। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा संभव है तो जो भी चीज़ नई चीज़ आती है तो रोजगार पे तो जोर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो अब नया ऐलान किया गया है, जी हाँ, दिल्ली एम्स में जो है अब AI के जरिए इलाज होगा। तो आने वाले समय में ये जो इलाज है AI के जरिए कितना कारगर साबित होगा और क्या वाकई AI अगर धरातल पर आता है तो कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए युवाओं के रोज़गार कम होंगे भी या नहीं, अब जनता इसको लेकर के क्या कुछ सोच रही है, आइए हम चर्चा कर लेते हैं। कि अगर दिल्ली में बात की जाए तो दिल्ली के एम्स में अब इलाज के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी रोबोटिक के ज़रिए जो है लोगों के इलाज किए जाएंगे। अब ऐसे में अगर चर्चा करें तो लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस विषय को लेकर के। क्या लगता है सरदार जी, अब डॉक्टर की जगह AI रोबोट जो है इलाज करेंगे दिल्ली एम्स में? मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी उल्टा पुल्टा होगा मोदी जी हैं तो संभाल लेंगे, संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। लग रहा है मतलब मोदी जी संभाल लेंगे। चमत्कारिक शक्ति है उनके पास। लेकिन रोबोट करेंगे फिर रोजगार भी तो कहीं ना कहीं कम होगा ना? रोजगार चाहिए कैसे है, सब ऐश कर रहे हैं। अच्छा, रोजगार नहीं चाहिए, मोदी जी। जी अच्छा है, प्रोग्रेस है, विकसित भारत है, विकासशील है और विकास की ओर अग्रसर है, इस तरह से मेडिकल साइंस में प्रगति होना भारत के लिए अच्छा है। अच्छा, तो मतलब खुश है कि अब रोबोट जो है लोगों का इलाज करेंगे? बिल्कुल श्योर श्योर, बस मैं चाहता हूँ और इसी तरह का इम्प्लीमेंट होता रहे आगे भी कि एक रोबोट सही तरीके से इलाज कर। आधुनिक युग में कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये विकास की प्रकृति अगर देखा जाए, प्रगति का, तकनीकी का सही साधन, एकदम सही साधन, अभी सही साधन, हम जब तक उसका रिजल्ट नहीं देख लेंगे तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते। जिस तरीके से विकास के युग में एक ये नई AI की प्रगति की चली है, इसको क्या सही समझ रहे हैं इसको? जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा इसका, तब तक कुछ भी कहना असंभव है। देखिए इन्होंने बताया कि कुछ भी कहना असंभव है। क्या लगता है आपको, दिल्ली एम्स में अब इलाज जो है रोबोट करेंगे, AI के जरिए इलाज किए जाएंगे? रोबोट के द्वारा इलाज, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा संभव है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इसका आप स्वागत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लगता नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं रोजगार को भी? वो तो आज के टाइम में हर चीज़ पे रोजगार पे जोर पड़ रहा है, ऑनलाइन कुछ चीज़ हो रहा हो तो वो भी रोजगार पे जोर पड़ रहा है, फ़ोन पे गूगल पे ये सब आया तो बैंक पे जोर पड़ा है, ऑनलाइन चीज़ों पे जोर पड़ा है, तो जो भी चीज़ नई चीज़ आती है तो रोजगार पे तो जोर पड़ता है, लेकिन कुछ विकास करने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा ना। देखिए हर कोई जो है इसका स्वागत भरपूर तरीके से कर रहा है, लोगों से हमने यही जानने की कोशिश करी तो लोगों ने कहा कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। और ये विकास का जो है अब देखना रहेगा कि इस AI का रिजल्ट निकल करके क्या सामने आता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर, कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।